और भाई जब से बारिश आया है तब से तुम्हारा भाई की बाइक तो निकाला नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो कितना सारा कचरा भर चुकी है यहाँ पे। कम से कम 2-3 हफ्ता तो आराम से हो चुका है, तो इस 3 हफ्ते में देखो कितना ज़्यादा धूल मिट्टी बाइक पे। यार बाइक की हालत देख कर ही दुख हो रहा है मुझे। और यहाँ पर कलर बलर सारे निकाल दिया है। ये देखो ये बकरी जो है घर का, ये सारे ऐसे कर दिया। और भाई अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के पानी कितने ऊपर तक आ चुका है और कितना ज़्यादा हो चुका है वो सारे चीज़ें भी देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो भाई बाइक की हालत देख कर ही मुझे जाने का मन नहीं कर रहा। ये देखो कितना ज़्यादा यार धूल मिट्टी। अभी साफ़ करते हैं उसके बाद निकल जाते हैं। भाई साहब पहले साफ़ करना है इसको, वरना यार यहाँ बैठने के लिए भी मन नहीं कर रहा, इतना ज़्यादा कचरा भर चुका है यहाँ पे। और भाई फिलहाल अभी बाइक लेके आया मैं और तरुण भाई, हम दोनों की ब्रह्मपुत्र नदी देखने आया। उससे पहले ब्रह्मपुत्र नदी तक पहुंचने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा व्यू पॉइंट है। बारिश के सीजन, पानी के जो सीजन है उस समय दिखा रहा हूँ, ये हालत है। वरना ये जगह उसके लिए भी फेमस है जिस समय सरसों का पेड़ होता है, पर उस समय भी बहुत ज़्यादा ये फेमस है हमारे असम धेमाजी के अंदर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग उस समय पे घूमने आते हैं जिस समय सरसों का पेड़ होता है। तो भाई उस समय तो बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है, और इस वक्त तो भाई ये हालत है। भाई ये हालत है इस वक्त। उस समय तो सरसों का फूल के वजह से बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, और इस समय देखो भाई ये हालत है, ये खूबसूरती हर जगह, मतलब पानी पानी सारे जगह पर पूरा वाइट हो रखा है पानियों से। तो भाई ये है, इसका नाम क्या है, लेसिया पोतार। हम लोग कहते हैं लेसिया पोतर। तो भाई लेसिया पोतर का हालत ये हो गया है, ये देखो भाई ये है। कम से कम 1 महीना होने वाला है शायद, इतना जोर से बारिश दे रहा है ना। तो भाई ये हालत तो बनता ही है, 1 महीने का बारिश और साथ साथ पहाड़ों से निकला हुआ पानी दोनों मिलाकर ऐसा बना दिया भाई, ये पूरा नदी बना दिया भाई। और है कि आप लोगों को जिस जगह तक लेके जा रहा हूँ उस जगह तक अभी पहुँचा ही नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी तक तो भाई अभी बहुत दूर है, उससे पहले ही ये हालत है। भाई देखो अगर ब्रह्मपुत्र नदी तक लेके जाऊँ तो क्या हाल होने वाला ये तो नहीं पता, बट इस समय ये चेक करो बॉयस। और इसको कहते हैं लेसिया पोतार। और भाई लेसिया पोतार तो अभी दिख ही नहीं रहा है मुझे, सिर्फ पानी पानी दिख रहा है यहाँ पे। तो उस टाइम भी देखना है जब सरसों का तेल निकलता है, उस टाइम में भी इतना खूबसूरत देखता है ना, उस समय भी गाइस वीडियो जरूर दिखाऊंगा इस बार। तो भाई ये सबसे पहले कि पानी सुखाना जरूरी है भाई, क्योंकि यहाँ पर हर जगह मतलब केटों की ही जगह है ये। अभी देखो आप लोगों को मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था वीडियोस पे, जहाँ हमारे केट होता है उस जगह का भी दिखाया हूँ, और यहाँ के भी देखो हर जगह केटों का ही जगह है। पर किसान क्या करे, तू क्या करे, अभी हर जगह पानी पानी, ना यहाँ पर केट लगा सकती है, ना फसल उगा सकती है, ना कुछ कर सकती है, सिर्फ पानी देख सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो भाई ये है लेसिया पोतार। और भाई कि सरसों का सीजन पे भी आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा, उस समय इतना खूबसूरत होता है, उस समय इतना खूबसूरत देखने को मिलती है ना भाई, क्या ही बोलो, लाजवाब। यहाँ पर नाम है इस जगह का भी, लेकिन इस वक्त इसका कोई नाम नहीं, सिर्फ पानी का नाम है भाई। और भाई मैं यही कह रहा था कि अगर आप लोग किसी को हेल्प करना चाहते हो तो गाँव वालों से हेल्प करो, किसानों को हेल्प करो भाई। ऐसे तो शहर में तो बहुत सारे लोगों को आप हेल्प करते होंगे, लेकिन एक बार किसानों को हेल्प करके देखो। इस समय किसानों को हेल्प करना बनता है, जरूरी है। थोड़ा बहुत बारिश रुकी हुई है, और अगर बारिश नहीं रुकता तो शायद ये ब्रिज के ऊपर हम लोग खड़ा हो इस तक पानी आ सकता था, यहाँ तक डेफिनेटली यहाँ तक पानी आ सकता था। आज बारिश रुका है इस रीजन से थोड़ा कम है। और भाई कि इससे भी कल मतलब ज़्यादा था पानी, और आज बारिश नहीं है तो थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सूख गया पानी, वरना इतना ज़्यादा यहाँ पर पानी था। मेरा दोस्त कल रात को मुझे फोन करके बोल रहा था कि लेसिया पोतार जाके आओ भाई, वहाँ पर इतना पानी है। तो भाई मैं आज देखने आया, आज वैसे भी वो नहीं है,
बारिश नहीं है, तो हम दोनों तरुण भाई और मैं देखने आया, तो भाई थोड़ा बहुत कम हो गया पानी। यहाँ से देखो, मैं आप लोगों को कैमरा घुमाता हूँ, वहाँ से चेक करो, वहाँ से पूरा इलाके पे, ये ब्रिज के पीछे वाला साइड और आगे वाला साइड देखो, हर जगह पानी, हर जगह पानी पानी है भाई। वहाँ तक लोग कैसे रह रहा है और लोगों का खाने पीने का अभी इंतजाम क्या हो रहा है ये तो नहीं पता, बट यहाँ के पानी देखकर, यहाँ पर जितना पानी है, जितना खेतों का फसल बर्बाद किया हुआ है पानी ने, तो ये देखकर ही बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है भाई। और कि ज़्यादा कुछ कहने के हालत में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है, हम भी किसान के बेटे हैं और हम भी खेती करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो भाई हमें खुद को बहुत ज़्यादा दुख फील करता हूँ। क्या है ना कि अगर मेरे चीज़ पे या गांव वालों के चीज़ पे ऐसे अगर पानी आकर बर्बाद करते हैं बारिश आकर, तो भाई हर किसी को डेफिनेटली दुख तो होगा ही, बहुत ज़्यादा दुख होगा। तरुण भाई, हम दोनों जब से बारिश स्टार्ट हो रहा है तब से फसल जहाँ पर करते हैं हम लोग, जहाँ पर खेती करते हैं, हर जगह घूम रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रहा है हमें। फसल इतना इस साल मतलब इतना अच्छा हुआ था, अभी पूरा पानी आकर, पानी आके मतलब बर्बाद कर दिया, अभी पूरा खत्म कर दिया, पता नहीं, लेकिन अभी बारिश रुका है शायद, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा मतलब हुआ नहीं, मतलब जैसा है ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो भाई अगर बारिश रुक जाते अब से, आज से, तो भाई फसल अच्छा होने का संभावना है, हो रहा थोड़ा बहुत, अगर आज के रात से अगर फिर से बारिश शुरू होता है तो सारा खत्म, एक भी नहीं बचने वाला, हर जगह फिनिश, आसाम के हर अभी इलाके पे, हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर कोने पे बहुत ज़्यादा अभी पानी का ही प्रॉब्लम चल रहा है। अभी आप लोग देख सकते हो, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, हर जगह पानी का ही अभी प्रॉब्लम चल रहा है। तो भाई आसाम के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग भी सोचे, थोड़ा बहुत अच्छा करने की, हेल्प करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी आसाम पे प्रॉब्लम चलता है इस समय, क्योंकि बारिश के सीज़न पे। तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, और कि हम लोग अभी फिर से यहाँ से निकल जाते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र देखने, तो भाई ब्रह्मपुत्र नदी पे और पानी कितना हो रहा है वो भी सारे चीज़ें देखते हैं। तो भाई ये था लेसिया पोतार के हालतें, तो भाई देख सकते हो, और हम लोग अभी ब्रिज के ऊपर करा हो, और आगे की तरफ भी देख सकते हो, हर जगह पानी पानी, वाइट हो गया भाई, मतलब बारिश के सीजन, तो भाई बाइक निकालना मुश्किल है, रास्ता इतना पानी हो गया था, घुटने तो पहुंच गया था, कैसे निकल, तो बाइक कैसे निकल के लेके आता, इस रीजन से कि हम लोग बाहर वीडियोस नहीं बना पा रहे थे, और यहाँ पर आज फिर से बाइक लेके आया हूँ, हम दोनों अभी जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी, तो भाई चलो। और भाई रास्ते में जो भी चीज़ देखने को मिल रहा है ये सारे चीज़ें रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। ये तरुण भाई ये देखो भाई, पानी कितना जोर से आ रहा है, ओ भाई ये छोटा सा एक कलवर है, ये आगे से पानी आ रहा है जोर से, और यहाँ इसलिए रुका हूँ, यहाँ के जो घर बग रहा है ना भाई, देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, लेकिन आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगी अभी। भाई यहाँ के घर देखो, घर के नीचे पूरा पानी, मैं आप लोगों को बताया था ना, मेरे ही जगह पे नहीं, असम के ऐसे हर एक कोने पे पानी हर जगह फैल रहा है अभी। ये देखो बारिश के पानी है या ये अभी नदी का पानी है ये तो नहीं पता, बट घर के नीचे तक भी पानी हर जगह आ चुका है भाई, क्या बोले इसके बारे में, क्या बोलोगे भाई, लोग परेशान है, बहुत परेशान है अभी, या काम पे जाएगा अभी बारिश के सीजन पे, अभी ना खेती मिलेगा या काम मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं, तो भाई मुश्किल ये हो रहा है। मैंने बाइक यहाँ पर पार्क कर दिया, क्योंकि देखकर भाई लगा कि मुझे आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाना चाहिए। तो भाई तरुण भाई और मैं आज आया, हमारे पास अगर कुछ होता देने के लिए, मदद करने के लिए, तो ज़रूर करता भाई, लेकिन अभी हमारे पास भी मदद करने के लिए इतना ये नहीं है कि हम लोग मदद कर पाए, फिर भी आप लोगों को इंसानियत के नाते दिखाने का कोशिश की, अगर कोई कुछ कर सकता है तो कर भी सकते हो, है ना। तो भाई ये है, इस जगह का नाम क्या है, बेकेली कहते हैं। तो भाई कलवर से इतना जोर से पानी आ रहा है, और यहाँ के पानी जो है सीधा घर तक लग रहा है, हर घर पे ऐसी ही हालत है। ये अभी हम जिस जगह को सुबह दिखाता है वहाँ पर कम से कम 100 से ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पे तो हज़ारों से ऊपर होगा, हज़ारों से ऊपर घर पे, घर पानी में डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है।
तो भाई ये था, और रास्ते पे जो भी चीज़ें देखने को मिल रहा है सारे रिकॉर्ड करते जाएंगे, आप लोग को दिखाते जाएंगे। यहाँ से अभी निकलते हैं, क्योंकि अगर है एक जगह पे हम लोग आधा घंटा लगाएंगे तो भाई वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करने का कोशिश करूँगी। तो फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं और दूसरे जगह भी दिखाएंगे वहाँ पर और क्या चल रहा है। और गाइस फाइनली इस वक्त हम पहुँची हूँ कहाँ, ब्रह्मपुत्र नदी पे। और भाई ये चेक करो, ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी। और गाइस कि यहाँ पर तो पानी तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और साथ साथ यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी के जो साइड वाला विलेज है, गांव है, यहाँ पर इतना पानी नहीं है। तो भाई थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा ही है डैमाजी में इतना ज़्यादा पानी हो रहा था, तो भाई घर के नीचे तक पानी आ चुका था। और यहाँ पर आकर देखा सिर्फ नदी में पानी है बट गाँव के अंदर थोड़ा बहुत कम है, तो भाई उससे भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कम लग रहा है मुझे। तो गाइस ये थे ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शाम हो चुका है यार भाई। और कि अच्छा से आप लोगों को वीडियो फुटेज दिखाई दे रहा है या नहीं ये तो नहीं पता, यहाँ से उस पार तक तो दिखाई नहीं दे रहा है, देख ही नहीं पा रहा है। और हम इस वक्त कर रहा हूँ ठीक ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, यहाँ से कम 5 फीट दूरी पर है। और ये है ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि हमारे असम से होते हुए हर जगह तक पहुंचती है ये नदी, वहाँ तक देख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इतना ज़्यादा अभी पानी हो चुका है। और इससे पहले भी यहाँ के वीडियो बनी हुई थी, तो भाई उस वक्त क्या था, बीच बीच में मिट्टियाँ दिखाई दे रहा था, बट इस वक्त बारिश के टाइम पर तो भाई वो भी देख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, हर जगह पर पानी। और शाम के टाइम बहुत ही यूनिक देखने को मिलती है यहाँ पर, और अभी फ़िलहाल धूप गिरने को हो रहा है, तो भाई बहुत ही खूबसूरत एक यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है, एक बहुत ही खूबसूरत व्यू। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ से पानी जोर से आ रही है भाई, ये है कि गांव के अंदर मैंने देखा, अंदर भी जाकर देखा बट गांव के अंदर थोड़ा बहुत पानी कम है, और बाहर की तरफ ये जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो रोड बनाया हुआ है बोगीबिल से सीधा माजुली तक, ये हाईवे के बाहर ब्रह्मपुत्र नदी पे तो पानी है यहाँ पर, यही आप लोगों को दिखाना था। और गांव के अंदर क्या चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है, ये बारिश के सीज़न आप लोगों ने देखा ही है। तो भाई उस पार धेमाजी साइड में तो बहुत ज़्यादा पानी हो रहा था ना, घर के नीचे तक पानी, और यहाँ पर घर पे थोड़ा पानी कम है बट ब्रह्मपुत्र नदी का पानी आप लोग देख सकते हो। एक बार आप लोगों को यहाँ के व्यू दिखाते हैं, सिनेमेटिक शॉट लेकर दिखाते हैं, वो भी आप लोग एंजॉय करना। और आप लोग कमेंट करके ये बताना कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी और जो गांव पे अभी इस वक्त हो रहा है, जो गांव के परिस्थिति है, जो किसान के प्रॉब्लम्स है, और जो खेत का बहुत ज़्यादा नुकसान है, ये सारी चीज़ें देखकर आप लोग कमेंट करके ये बताना कि भाई ये कौन सा सही है कौन सा गलत है। और ब्रह्मपुत्र नदी का व्यू तो आप लोगों ने देख ही रहे होंगे, यहाँ से सीधा झूर से पानी आ रहे, और कि फ़िलहाल अभी डूब गिरने का टाइम तो हो रहा है, तो इस रीज़न से कि आप लोगों को वीडियो फुटेज अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ आकर देखते हो तो भाई बहुत ही एक अलग सी चीज़ें देखने को मिलती है। तो भाई यहाँ के एक बार व्यू पॉइंट चेक करवाते हैं आप लोग। और गाइस मैं एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पर ये जो पेड़ पौधे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर जितना तक वाइट वाइट हो रहा है वहाँ तक पानी आई हुई थी कल, यानी कि आज दिन भर तो ये बारिश से हुआ नहीं है, तो इस रीज़न से कि ज़्यादातर पानी कम हो चुका है, वरना वहाँ तक जितना तक वाइट देखने को आप लोगों को मिल रहा है वहाँ तक पानी आई हुई थी, और वहाँ से ऊपर तक जितने भी ग्रीन है वहाँ तक तो पानी गया नहीं था। तो भाई यहाँ से भी देख सकते हो आप लोग, यहाँ तक कम से कम पानी आई हुई थी और यहाँ से ऊपर तक तो आया नहीं है। और भाई ये है, एक दिन अगर बारिश नहीं हुआ तो इतना फर्क देखने को मिल रहा है, एक दिन बिना बारिश के वजह से इतना पानी कम हो चुका है, अगर कल परसों तक ये बारिशें रुक जाएंगे तो कम से कम यहाँ से भी बहुत ज़्यादा पानी कम होने वाला है। तो भाई ये है ब्रह्मपुत्र नदी की हालत, और यहाँ पर ये चीज़ें चल रहा है। और गाँव के अंदर तो आप लोगों ने देखा ये बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही है, हर घर पर हर घर के नीचे पानी आ चुका है, तो भाई प्रॉब्लम ये हो रहा है अभी आसाम पे। तो भाई मेरा भी यही निवेदन है सरकार से कि जो भी यहाँ पर
असम के बारे में जिसको भी पता है, तो भाई यही हेल्प करना है कि जो किसान है उनको हेल्प करना है, और जो गांव वाला है उनको हेल्प करना है, और साथ साथ किसानों के केटी पे। तो भाई ये चीज़ें मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से। ये है ब्रह्मपुत्र नदी की हालत, और यहाँ पर कितना पानी हो गया है। तो भाई ये चीज़ें देखने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। अभी फिलहाल शाम होने को आए हैं तो सारे लोग निकल रहे हैं यहाँ से, वरना थोड़ी देर पहले अगर हम लोग आ पाते तो यहाँ के भीड़ भी आप लोगों को दिखा पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। और कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये असम के ऐसे नदी है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी, दिक्कत भी देते हैं। तो भाई यही है ब्रह्मपुत्र नदी। और इस वक्त फिलहाल सारे लोग निकल रही है यहाँ से, क्योंकि शाम होने को आया है और शायद बारिश भी आ सकते हैं, ये तो नहीं बता सकते। और कि अगर बारिश नहीं होगा तो भाई यहाँ पर पानी कम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, और अगर बारिश हो जाते फिर से वही पानी ज़्यादा होने वाला है और लोगों को नुकसान पहुँचाने वाला है। तो भाई है कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी अभी पहुँचना है डैमाजी, तो वहाँ तक भी बहुत ज़्यादा दूर है, कम से कम 25-30 किलोमीटर के रास्ते। तो भाई हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं, और आप लोगों को आज के मेरे वीडियोस पे क्या क्या चीज़ें अच्छा लगा हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें वो आप लोगों के ऊपर है, लेकिन ये वीडियो ज़रूर शेयर करना कि उन लोगों तक पहुँचे जो लोगों को नहीं पता कि असम पे क्या चीज़ें चलता है बारिश के सीज़न पे और क्या होता है। तो भाई ज़्यादा से शेयर करना, और कि सारे लोग ये कमेंट करके बताना कि गाँव के हालत के बारे में आप लोगों को कैसा लगा, और ब्रह्मपुत्र नदी देखकर यहाँ के बारे में आप लोगों को कैसा लगा, ये चीज़ें भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे। तो भाई सबको मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस ये है ब्रह्मपुत्र किनारे के रोड्स, और यहाँ पर ही ये दुकान बाज़ार है, और यहाँ पर ही हम लोग कुछ खा के चलते हैं, क्योंकि घर से जो भी खा के निकले थे यहाँ तक पहुँचते तो भाई फिर से भूख लगने लगा है, तो भाई यहाँ पर ही खाकर जाएंगे। और गाइस ये था ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से देख सकते हो, और अभी शाम के टाइम है तो बहुत ज़्यादा लोग और फिर से देखने यहाँ पर निकल रही है। We'll be right back.